अभी मेरा आएगा कल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और चलिए आज घूमते हैं कलंगुट बीच। अभी मैं हूँ नॉर्थ गोवा में, और चलिए घूमते हैं और वहाँ के बारे में कुछ जानते हैं, वहाँ का क्या कैसे सिस्टम है सब बताओ। मैं पहले जाऊँगा होटल जा कर के पहले अपना जो ड्रेस है कपड़ा है चेंज करूँगा और अपना बैग रखूँगा। इसके बाद देखो घूमेंगे, नहाएँगे, इंजॉय करेंगे। मल्ली बीच में दोस्तों मैं कुछ खाने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा बीच के आराम करेंगे। बीच के सामने का बैठने का आनंद ही कुछ अलग है। सोचेंगे कुछ खाएंगे और बैठेंगे और थोड़ा इंजॉय करेंगे, थोड़ा रिलैक्स फील होगा, बहुत थक चुका हूँ। तो ये मेनू है, देखते हैं क्या कहते हैं इसका सब कुछ प्राइस है लिखा हुआ है। तो मैं खाऊँगा नूडल्स। तो मैं खा रहा हूँ वेज चाउमीन, और वेज चाउमीन की जो प्राइस है वह है 290 रुपये, 290 रुपये है। आप ले सकते हैं और बियर और एक बियर अच्छा कौन होता है, ये अच्छा होता है, अच्छा होता है। भैया पिला दीजिए। सो मैं एक चाउमीन वेज चाउमीन और ब्रेजर ऑर्डर किया हूँ। तो भाई साहब आप लेके आएंगे, उस तक मैं वहाँ पास बैठ के आराम करता हूँ। चलिए सो जब तक मेरा ऑर्डर हुआ है आएगा, तब तक मैं बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ, रिलैक्स फील कर लेता हूँ। तो चलिए बैठते हैं। तो मेरा सिर्फ मैंने के लिए क्या था कि मैंने वहाँ से आया था और खाना खा के मैं आया था होटल से, तो थोड़ा मुझे थक सा गया था पैदल चलते चलते। सोचा कि थोड़ा मैं बैठ के ना हो जाऊँ रिलैक्स। इसका जो बेड है, बेड का चार्ज है अगर आप सिर्फ कुछ नहीं खाते हैं तो 200 है। अगर आप कुछ करते हैं ऑर्डर और खाते हैं तो इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया हूँ, तक लिए मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और आप आराम से आप लेट सकते हैं और उसका जो आराम से मजे तो के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे आस पास तो ये मेरा आ गया है ब्रेजर और भाई साहब हो गया है। सो लेते हैं और अभी मेरा आएगा कल। ये बियर है और फ्रूट्स बियर है, तो इसका दे सकते हैं कलर कैसा है ना, है ये बियर ही है बट फ्रूट्स में है तो ठीक ठाक है। बाकी अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो इसका जो चार्ज है आपको उसका चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको करीब कुछ
आराम करना है, रिलैक्स होना है, कुछ मंगाइए और इंजॉय करिए। मजा आ गया भाई, मेरा आइटम आ गया है, इसके साथ आएंगे नूडल्स और ये है और बैठ के आराम करते हैं। इतना वो लगा है ना, रेत लगा है, वो चालीस का है, उसको अंदर जाएगा अच्छे से आराम करते हैं, खा पी के, है ना भाई, घर का आता है चलो भाई के भैया। वास्तव में एक बात कही जाए तो गोवा जो है तो किसी जगह मानी नहीं सकती, कुछ तरीकों से कहीं कहीं लोग आते हैं, लेकिन जबकि सबको सबको पता है कि कोविड का कहर चल रहा है, इतना ज़्यादा कोरोना काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभाव की है, लेकिन नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लोग अपना फुल टाइम इंजॉय कर रहे हैं, उसका पूरा मज़ा ले रहे हैं, फुल एकदम आनंद से। ये कुत्ता भी है बनाना राइड, पहले से ऑल इज वेल, गुड फीलिंग।